हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीमो क्लासेस। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड दिस इज अ पार्ट फोर। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगी और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आने वाले वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 केम इंटू फोर्स ऑन। इस एक्ट को लागू किया गया ताकि लोग प्रॉपर्टियों को लेन देन कर सके। तो ये एक्ट लागू किया गया 1 जुलाई 1882। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर एक्ट को अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एवरी एक्ट को आपको माइन्यूटली देखना है और याद रखना है कि उसमें कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और 137 सेक्शंस है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। वॉट कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट है। दोनों प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैन बी ट्रांसफर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज अ ट्रांसफर ऑफ। क्या ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में? तो ओनरशिप की ट्रांसफर होती है। सेक्शन 5 ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, आपको याद रखना है। सेक्शन 5 डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग दिया गया है सेक्शन 5 में। इसका अर्थ क्या होता है? एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों को या स्वयं और एक या एक से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति प्रदान करता है। संपत्ति का हस्तांतरण का कार्य वर्तमान या भविष्य के लिए किया जा सकता है। संपत्ति का ट्रांसफर एक व्यक्ति, कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह के द्वारा हो सकता है। तो ये मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी बताया था अंडर सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लिविंग पर्सन इंक्लूड। जीवित व्यक्ति में क्या क्या इंक्लूड होता है अंडर सेक्शन 5 में? तो अ कंपनी, एन एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट है। तो आपको याद रखना है सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को और इसमें लिविंग पर्सन है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो अ कंपनी होती है, एन एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। When a person has complete rights over a property, then in such owner mainly rights related to that property are vested. कौन कौन से राइट होते हैं अगर पर्सन हैज कम्प्लेक्स राइट्स ओवर अ प्रॉपर्टी? द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू एंजॉयमेंट देयर ऑफ एंड राइट ऑफ एलिनेशन,
फ्रॉम प्रॉपर्टी इन एनी वे. तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट है. अगर एनी पर्सन व्हेन अ पर्सन हैज कंप्लीट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी देन इन सच ओनर मेनली राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी आर वेस्टेड. The right of ownership of the property, possession of the property, right to enjoyment thereof and right of alienation from property in any way. Okay, all of these option D option is correct hai. Which properties are transferred under the Transfer of Property Act 1882? So, sale, mortgage, lease, exchange, gift, एक्शनेबल क्लेम, ऑल दी अबव जो है ये सभी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में. द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी कैसा होना चाहिए. अगर ट्रांसफर का उद्देश्य कैसा होना चाहिए. द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए. ये ऑप्शन इज करेक्ट है. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज गवर्न्ड बाय वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है गवर्न किया जाता है वेरियस प्रिंसिपल्स. तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. लॉ से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई है. आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं और वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. सो वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.